पेज नंबर 92 के माध्यम से एक हवेली की शोभा का चित्रण हुआ है। मुख्य दरवाजे से भीतर जाते हैं तो पहली हवेली चौरस आती है। इन हवेली की शोभा देखते हैं तो जो सामने दीवार आई है उनमें एक बड़ी मेहराब, उन मेहराब में मेहराब की नोक और दाएं बाएं माणिक के फूलों की शोभा। मध्य में 3 मोल का दरवाजा आया है। 1 मोहल का दरवाजा दाएं बाएं एक एक मोहल के चबूतरे, ऐसे चारों दिशाओं में शोभा है। भीतर आएंगे इन दरवाजों के दोनों ओर 1500-1500 मोहल आए हैं। मोहलों को घेर कर भी थंबों की हार आई है। भीतर आएंगे तो बगीचों की शोभा। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर बैठ के तीसरे हिस्से में बगीचों की शोभा, किनार पर थंबों की शोभा। इन थंबों में हिंडोलों की शोभा आई है। अब एक शोभा यहाँ पर ये देखेंगे कि आमने सामने जहाँ मोहल्लों के भी चारों दिशा में दरवाजे हैं, आमने सामने जहाँ दरवाजे पड़ते हैं वहां 24 मेहराबों की शोभा। और यहाँ देखेंगे ये जो हवेली की दीवार आई है, ये जो दोनों तरफ 1500-1500 मोहल आए हैं उनके ठीक सामने हवेली की दीवार में मोहलों का दरवाजा आया है। ये देखिए, तो यहां अगर खड़े हैं तो सीधा इन दरवाजे से भी अंदर इन मोहलों में आ सकते हैं। इस तरह से शोभा एक हवेली की हुई। ऐसे ही शोभा एक मंदिर की है, उनकी शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। जैसी एक हवेली की शोभा हुई ठीक वैसे ही उन हवेली में घिर कर जो 12,000 मोहल आए हैं उन एक मोहल की शोभा देखे तो वो शोभा भी हवेली के समान ही है। दीवार में एक बड़ी मेहराब जिनमें 3 मंदिर का दरवाजा आता है, एक मंदिर का दरवाजा दाएं बाएं एक एक मंदिर के चबूतरे। भीतर जाते हैं तो दरवाजे के दोनों ओर 1500-1500 मंदिर, मंदिरों को घेर कर भी थंबू की हार आई है। और दीवार में भी मोहल्लों की दीवार में 3,000 दरवाजे हर दिशा में इन मंदिरों के मिलेंगे। भीतर आएंगे तो बाग बगीचों की अपार शोभा। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई चारों दिशाओं में, किनार पर थंबों की हार, उनमें हिंडोले, चबूतरे के तीसरे हिस्से में बाग बगीचे और सुंदर बैठकों की शोभा। अब एक मंदिर के अंदर चलते हैं तो उनकी शोभा भी जैसे हवेली की आई मोहल्लों की देखी ठीक वैसी ही शोभा आई है। माणिक पहाड़ के एक मोहल में एक मंदिर की शोभा, इनकी शोभा भी ठीक वैसी ही आई है जैसी शोभा हवेली और मोहलातों की देख चुकी है। बड़ी मेहरा जिनमें 3 कोठरी का दरवाजा, 1 कोठरी का दरवाजा दाएं बाएं एक एक चबूतरे। भीतर जाएंगे तो दरवाजे के दोनों ओर 1500-1500 कोठरी, भीतर बगीचों की हार, कोठियों को घेर कर भी थंबों की हार आई है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर 12,000 थंब और सुंदर बैठकों की शोभा। पेज नंबर 95 में पुनः एक मोहल का दृश्य दर्शाया है। एक मोहल की शोभा, हवेली की शोभा, हवेली की छत देखते हैं तो 400 कोस की, लेकिन घेर कर जो मोहल आए हैं उनकी छत 300 कोस की। तो हवेली की छत के तले इनकी छत, थंबों की हार, बगीचों की हार, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, उनमें हिंडोले,
चबूतरे के तीसरे हिस्से में बाग बगीचे नहरे चबच्चों की अपरम पार्श्वों का घेर कर सुंदर बैठ के नूरी सिंहासन कुर्सियां हाजिर आपके लिए। जैसी शोभा हवेली की आई है ठीक वैसी मोहलातों की मंदिरों की कोठियों का विस्तार 100 कोस का है, मंदिरों का 200 कोस तक आया है, हवेली मोहलों का 300 कोस तक और हवेलियों का 400 कोस तक। मानिक पहाड़ की एक हवेली, उन एक हवेली के एक मोहल में जाएं तो उनकी शोभा, एक मोहल के अंदर मंदिर में जाएं तो उनकी शोभा अपार शोभा। मोहलों को मंदिरों को घेर कर भी थंबों की हारे आमने सामने जहां दरवाजे पड़ते हैं वहां 24 मेहराबों की अनुपम शोभा। अभी गोल हवेली का दृश्य, जैसी शोभा चौरस हवेली की आई है ठीक वैसी ही शोभा गोल हवेली की आई है। यहाँ गिरद्वाई सब जुगबाई आई है, शोभा समान है।